आ जाओ ना, आओ ना, यहां बैठो। ऐसा क्या देख रही हो? ये ऑफिस है तुम्हारा, अपनी कुर्सी संभालो। मेरा ऑफिस? मैं क्या करूंगी ऑफिस का? मुझे तो नहीं आता ऑफिस का काम, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सब कर सकती हो तुम और कर लोगे, और फिर मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब सीख जाओगे तुम। वो तो तुम्हें लगता है ना, मुझे पता है अपना, इतनी काबिल बाबिल नहीं हूं मैं। वो तो बस तुम पे रोब झाड़ने के लिए कहती थी कि बहुत काबिल हूं, पता नहीं किस जाहिल गवार से शादी हो गई तुम्हारी। सोचती हूँ तो गुस्सा आता है, पे शर्मिंदगी भी होती है। नहीं, बदतमीज हूं मैं, नहीं बुरी भी। अच्छा बस, कितनी बार ये बातें कही जाएंगी और सुनी जाएंगी। अरे अच्छा, देखो देखो, ऑफिस है ऑफिस, सब कुछ नहीं चलेगा। हाँ, संभालो खुद को, और कोई जरूरत नहीं घबराने की। तुम बैठो, अपने लिए पानी ऑर्डर करो। किचन की एक्सटेंशन है 03 और मैं हूँ 01। मिलते हैं थोड़ी देर। से बाद आपके हाथ के खाना खा रहा हूं ज़बीना बाजे, और हर चीज इस कदर लजीज और परफेक्ट। मैं भी यही कहने वाली थी, अच्छा खाना बनाया है, घर के खाने की बात ही और होती है। असल बात तो ये होती है कि खाना पकाने वाले के हाथ में कितना जायका है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हुसनारा वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़े गुण है उसके हाथ, क्या जायका है। ये सारा खाना हुसनारा ने बनाया? हाँ तो और क्या। अरे भाई, मुझसे इतनी तरह का खाना अब नहीं बनाया जाता, मैं तो बस बहुत से बहुत एक सालन चढ़ा देती हूँ और वो काम वाली आकर रोटियां बना जाती है। आज तो हुसनारा दोपहर को ऑफिस से आ गई, कहने लगी मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, आप आराम कीजिए, और बस फिर किचन में लग गई। अरे वाह, सच में बहुत मजे का है।